Subscribe now and press the bell icon for latest Bollywood updates. आपको पता ही होगा कि साल 2020 में अक्षय कुमार बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं और जिस धमाके का नाम है सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक थ्रिलर मूवी लेके आ रहे हैं अक्षय कुमार, जिस मूवी का नाम है सूर्यवंशी। तो आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हाल ही में हैदराबाद के खूबसूरत लोकेशन में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा था और क्लाइमैक्स की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली बात करें तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म की डबिंग काफी जोर शोर से की जा रही है इन दिनों, और जल्दी आप लोगों के बीच इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट डॉन 3 के बारे में। डॉन सीरीज के तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं और डॉन 3 सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सुर्खियों में है और डॉन 3 को लेकर के सोशल मीडिया पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डॉन सीरीज की दो पार्ट अब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाई है और फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स भी बड़े पैमाने पर फिल्म बनाए गए थे। फाइनली बात करें फिल्म के बारे में तो अब तक दोनों पार्ट बॉलीवुड में काफी धूम मचाए गई है। दोनों फिल्मों की अपार सफलता के बाद तो फिल्म मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाना चाहते हैं डॉन 3। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट बारे में यानी कि गोलमाल 5 से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में खबरें हैं कि रोहित शेट्टी अपनी गोलमाल सीरीज का पांचवा पार्ट भी जल्द ही लेके आने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है बॉलीवुड में गोलमाल 5 से। जैसा कि बात करें गोलमाल सीरीज के सभी पार्ट के बारे में तो गोलमाल पार्ट की जितने भी सीरीज बॉलीवुड में आए हैं काफी धूम मचाए हैं और फैंस द्वारा काफी पसंद किए गए हैं और फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ कॉमेडी सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं। और फाइनली बात करें सभी सीरीज के बारे में तो कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाई गई थी और सभी पार्ट बेहद पसंद किए गए हैं। अभी तक जो कि गोलमाल सीरीज के चार पार्ट आ चुके हैं बॉलीवुड में और काफी धूम मचा चुके हैं, तो पांचवें पार्ट के बारे में बात की जाए तो पांचवें पार्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट 9 डेज के टोटल कलेक्शन के बारे में। टोटल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया और इसके साथ साथ ये भी कंपेयर करेंगे कि इसके साथ साथ में 9 दिन में टाइगर जिंदा है ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया था। दोनों मूवी के कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वॉर मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वॉर मूवी ने अपने ओपनिंग के टाइम में पहले दिन में 53.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। बम्पर ओपनिंग किया था फिल्म वॉर ने सिनेमा घरों में। वहीं बात की जाए टाइगर जिंदा है के बारे में तो जिसने फर्स्ट डे में पहले दिन में 34.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म वॉर ने 24.35 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं टाइगर जिंदा है ने 35.30 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म वॉर ने 22.45 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं टाइगर जिंदा है ने 45.53 करोड़ का कलेक्शन किया था। चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वॉर ने 28.70 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं टाइगर जिंदा है ने 36.54 करोड़ का कलेक्शन किया था। पांचवें दिन के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म वॉर ने 37.40 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं टाइगर जिंदा है ने 21.60 करोड़ का कलेक्शन किया। छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म वॉर ने 21.50 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं टाइगर जिंदा है ने छठे दिन में 17.55 करोड़ का कलेक्शन किया था। बात की जाए 7 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म वॉर ने 28.90 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं टाइगर जिंदा है ने 7वें दिन में 15.42 करोड़ का कलेक्शन किया था। बात की जाए 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म वॉर ने 11.90 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं टाइगर जिंदा है ने 11.56 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो फाइनली बात की जाए फिल्म के 9 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म वॉर ने 9.80 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं 9 डेज में बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन टाइगर जिंदा है का 14.92 करोड़ था।